आ जाओ मेरे डियर आईटेक्स के स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हाँ हाँ सब मिल जाएंगे, बट टेंशन लो। आ जाओ, क्या लिखा है हेडिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब थोड़ा समझेंगे हम म्यूचुअल फंड के अंदर की, थोड़ी डिटेलिंग समझेंगे, स्कीम्स समझेंगे, उनके टाइप्स समझेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस में। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेसिस में उन्होंने बोला दो टाइप होते हैं, ओपन एंड भी होते हैं और क्या होता है, क्लोज एंडेड। अभी हम ओपन एंडेड क्लोज एंडेड पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस में होता है, एक्टिव है कि पैसिव है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे कह रहे कि हमने बाइफर्गेशन कर रखा है, टाइप्स पढ़ रहे लेकिन उसका बेस हमने अलग अलग बताया, ठीक है। ग्रोथ, इनकम, लिक्विडिटी, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, मतलब कि आपका जो पैसा वो किस में लगेगा, इक्विटी में लगेगा, डेट में लगेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स है, तो ये क्लासिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर की डिटेलिंग ही डायरेक्ट आ जाओ देखें। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है म्यूचुअल फंड के दो टाइप दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड के कौन से दो टाइप दिख रहे हैं? ओपन एंड और क्लोज एंडेड। चलिए समझते हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, थोड़ा नाम समझो क्या लिखा है। एकदम ओपन है, अभी आपको खरीदना है, अभी आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप तुरंत ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ओपन एंडेड, पूरे टाइम ओपन है। जब भी किसी म्यूचुअल फंड के पास अगर जाते हो तो वो अलग अलग स्कीम आपके सामने रखता है, ठीक है। तो आपको स्कीम का नॉलेज भी वो प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक उतना नॉलेज नहीं हो पाता, ठीक है। वो आपको उसके कैरेक्टर्स बताएंगे, उसकी डिटेलिंग्स बताएंगे। तो ओपन एंड क्या बोलता है कि आज खरीदना है तो आज खरीद लो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपना पैसा वापस निकालना है तो कल के कल ही बेचो, शाम के शाम ही बेचो, जब खरीदना है खरीद सकते हो, जब बेचना हो बेच सकते हो। तो जो ये स्कीम का टाइप है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट में इक्विटी होता है, आज खरीदा कल बेचा, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो लॉक इन पीरियड में रहती है, मर्जी किसकी चलेगी, कंपनी की चलेगी। लॉक इन में है मतलब कि आज खरीदा है अभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मार्केट में कुछ शेयर्स है, कंपनी ने अभी इशू ही नहीं किया, तो आप खरीदोगे कैसे? जब वो अपनी तरफ से ऑफर करेंगे तब खरीदेंगे, जब वो मैच्योरिटी आएगी तब वापस करोगे। तो एक क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड क्या बोलता है कि पूरे टाइम ओपन है, अभी जाके खरीद लो। परचेज एनी ट्रांजेक्शन डे, किसी भी ट्रांजेक्शन डे आप खरीद सकते हो। क्यों बोला ट्रांजेक्शन डे? छुट्टी वाले दिनों की बात नहीं कर रहे हम, जिस दिन स्टॉक मार्केट काम ही नहीं करता, ठीक है। क्लोज एंडेड क्या बोलता है? परचेज ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। एनएफओ मतलब क्या है? न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर, व्हाट डू मीन बाय न्यू फंड ऑफर? कंपनी ने जो चीज़ अभी निकाली नहीं तो आप कैसे ले लोगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये फिक्स ड्यूरेशन रहते हैं, जिस दिन न्यू फंड ऑफर आएगा। म्यूचुअल फंड पढ़े ना, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, वापस वापस वापस। म्यूचुअल फंड क्या है? कंपनी एक ट्रस्ट है जो बिजनेस कर रहा है, उस फंड पे अगर आप आते हो तो वो अपने दो टाइप बताता है। पहला टाइप क्या बताता है? ओपन, ये पूरे टाइम ओपन है, अभी तुरंत ही खरीद सकते हो, बेचना है जब जरूरत हो, लिक्विडिटी इश्यूज नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें लिक्विडिटी भी क्या होगी? हाई लिक्विडिटी होगी। हाई लिक्विडिटी कैसे? कि भैया जब बेचना बेचो। ये क्या बोल रहा है? तभी खरीदोगे जब हम ऑफर देंगे, अभी ये ऑफर अभी नहीं है, इतनी तारीख से ओपन हो जाएगा तब खरीदना। और ये आपके पास रखा रहेगा, आप कभी भी आकर बेच नहीं सकते, उसकी मैच्योरिटी हमने बोला 1 साल की, तो वो जिस दिन को हमने बोला है ना बेचना है, उसी दिन आकर आप हमें बेचोगे, आप किसी को भी टिका नहीं सकते उसे। तो रिडीम ओनली एट दी मैच्योरिटी। क्लोज एंडेड क्या है? कब रिडीम होगा? मैच्योरिटी में। ये क्या बोलता है? रिडीम एनी ट्रांजेक्शन डे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया? एक्सेप्ट। हम यहाँ पे ई एल एस एस की बात नहीं करें। अब ये ई एल एस एस होता क्या है समझो, ये लॉक इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। ई एल एस एस का सबसे पहले फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या लिखा है? इक्विटी लिंक्ड। इक्विटी बोल दिया, दैट मीन्स किसी कंपनी की इक्विटी में पैसा लगाएगा। लिंक्ड है किससे? सेविंग स्कीम के साथ। कुछ नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई हमें कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आओ इसमें पैसा लगाओ। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है, तुम कभी भी पैसा निकाल लोगे तो हमें दिक्कत हो सकती है इन सारे फ्लक्चुएशन से, तो हम कुछ टाइम के लिए लॉक इन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 साल का लॉक इन, मैंने बोला 3 साल का लॉक इन। प्रोजेक्ट हमारा 10 साल का है, प्रोजेक्ट हमारा 10 साल का, आपका इन्वेस्टमेंट पूरे 10 साल का रहेगा, ठीक है। लेकिन हम 3 साल के लिए लॉक इन रखेंगे, उसके बाद आपको जो करना है कर लो। बात समझ में आ रही है? तो ELSS ओपन एंड ही होता है, लेकिन इस ओपन एंड में क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ी सी क्लोज एंड वाली बात भी डाल दी है, बस थोड़े समय के लिए, इसलिए इसका क्या आ जाता है? एक्सेप्शन। वैसे तो क्या ये ओपन एंड है, लेकिन कुछ टाइम के लॉक इन के साथ, ठीक है। और टैक्स सेविंग बोल दिया, दैट मीन्स सरकार क्या चाहती है, भैया इस प्रोजेक्ट को बनाने में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो टैक्स
को सेव कर दो, कैसेट टैक्स को सेव कर दो, अगर आपने इसमें पैसा लगाया, इस स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया, दैट मीन्स आपका जो वो इनकम टैक्स, अभी जैसे आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन पढ़ते हो, लिमिट क्रॉस होती है तो देना पड़ता है टैक्स, तो क्या कह रहे हैं कि हम इसमें आपको टैक्स की माफ़ी दे देंगे, छूट दे देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे। बात समझ में आ रही है? अभी आप इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ रहे होगे तो बहुत सारे डिडक्शंस पढ़ रहे होगे, डिडक्शन अभी शायद आएगा, ठीक है, 80C, 80B ऐसे बीच बीच में आता होगा, ठीक है, तो ये सारे डिडक्शंस होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, यहाँ पे हम आपको जितना आप पैसा वहाँ लगाओगे उसमें हम आपको सेव कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका है, सरकार का। सरकार जहाँ कहीं भी सरकार खुद चीज़ें यूज़ करेगी ना, तो वो चाहती है नॉर्मल जनता यहाँ पर आए, और कैसे अट्रैक्ट होंगी, जब उनको हम क्या देंगे, टैक्स में छूट देंगे, ठीक है। चलो, तो म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करूंगी तो दो पैटर्न है, पहला पैटर्न क्या है, ओपन एंड, दूसरा क्या है, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, कभी भी खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड, ये ओपन हमेशा रखता है। क्लोज एंडेड क्या है, जिस दिन वो क्या करेगा, न्यू फंड ऑफर तुम्हें देगा उसी दिन खरीदोगे, और जब वो खुद से रिडीम की एक मेच्योरिटी डेट होगी रिडीम, इसमें बीच में कभी भी आप इधर उधर चीजें कर सकते नहीं। तो ये दो पैटर्न। नेक्स्ट आओ, क्या बोलते हैं, आज वार्निंग दे रही हूँ, बैठ जा। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब जो यहाँ पे नीचे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, वो लाइन से उन्होंने नाम बताना चालू कर दिया। अब होता क्या है, स्कीम्स होती है, आपको कितना रिस्क लेना है, आप कह रहे हो आपको कम रिस्क लेना है, ठीक है। जब भी आप किसी ब्रोकर के सामने बैठते हो या फिर किसी भी बंदे के सामने बैठते हो जो एसोसिएटेड है किससे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, उसके सामने जब आप बैठते हो तो वो आपको बताएगा, देखो ये अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भैया रिस्क कितना लेना है, हम कहेंगे भैया बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना है, तो वो रिस्क के हिसाब से आपकी, आपके पूरे बैकग्राउंड के हिसाब से आपको रिकमेंड करता है और आपको चीज़ें समझाता है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज होती है, इन्होंने बहुत कम दे रखी है, ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या दिख रही है, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, नाम से पहले काम समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा है, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, साफ साफ बोल दिया, फिक्स इनकम मिलेगी आपको। एक ऐसी स्कीम है, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठा है वो अपना दिमाग लगाएगा और ऐसी जगह पे पैसा लगाएगा जहाँ पे क्या है, फिक्स इनकम मिलेगी। जहाँ फिक्स इनकम मिलेगी वहाँ मुझे बताओ रिस्क कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम पूरा वादा करें कि फिक्स इनकम मिलेगी, तो लो रिस्क रहेगा और रिटर्न भी क्या रहेगा, लो, तो वो एक लो रिटर्न फिक्स कर देगी। तो इनकम ओरिएंटेड स्कीम मतलब आप ऐसी स्कीम में आपका पैसा लगाया जा रहा है, स्कीम में आपने पैसा लगाया और आगे ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा जिसमें रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगा, ठीक है। फंड प्राइमली ऑफर द फिक्स इनकम टू द इन्वेस्टर, ठीक है। नेचुरली इनफ द मेन सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द फंड आर द फिक्स इनकम यील्ड वन, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया क्या क्या है। फिक्स इनकम किस मिलेगी, बॉन्ड्स में मिलेगा, किस मिलेगा, डिबेंचर्स में मिलेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में मिलेगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स बता रहे कि स्कीम का पैसा कहाँ लगेगा जिसका आंसर फिक्स इनकम आएगी। पहली स्कीम समझ में आ गई। नेक्स्ट दूसरी स्कीम क्या है बच्चा, ग्रोथ ओरिएंटेड, अब थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। आप कह रहे हो इनकम ओरिएंटेड लो रिस्क लो रिटर्न, आप कह रहे नहीं यार थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए हमें, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा रहे हो, तो रिस्क बढ़ा रहे हो तो रिटर्न भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, अब हम कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, हाई सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे जिसका सोर्स, जिसकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रिस्क भी बढ़ेगा। रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन, जिससे हमारा कैपिटल जल्दी से बढ़ जाए, बोथ फ्रॉम दी होल्डिंग दी, ठीक है। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ई शेयर्स होते, ठीक है, ई शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकल सिक्योरिटीज की बात हो रही है। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट मतलब थोड़े से महंगे होंगे, थोड़ा सा रिस्क होगा, फिर रिटर्न भी ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, ठीक है। दीज फंड एक तरीके से प्राइमली कॉन्सेंट्रेट लो रिस्क, ट्राई करते हैं रिस्क कम हो और क्या हो जाए, रिटर्न ज्यादा आ जाए। वापस इनकम ओरिएंटेड क्या बोल रहा था, रिस्क कम है रिटर्न कम, और ग्रोथ ओरिएंटेड क्या कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे कि रिस्क तो कम हो लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। ये सारी स्कीम्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बताया आपको ऐसे ही जाएगा, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं हम बेस्ट दिमाग तो यही लगाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में अगर अप्स डाउन होते हैं तो वो तो हमेशा साइड में रहेंगे। तो दो टाइप समझ में आए, पहला क्या है, इनकम ओरिएंटेड, जिसमें क्या मिलेगी आपको, फिक्स इनकम, ग्रोथ क्या बोलता है, थोड़ा सा थोड़ा रिस्क बढ़ाएंगे कंपेरिजन वाइज, जो भी इनकम ओरिएंटेड, ठीक है। हेडिंग बस पढ़ो थर्ड वाले की, क्या लिखा है ऊपर जो ये भी पढ़ा ना, दोनों का क्या है, मिक्स। अब दोनों का मिक्स कैसा आ रहा है, ये कह रहे कि भैया बोथ इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, फिक्स इनकम भी मिल जाए, ऐसा कुछ हम पैसा लगाएंगे कि फिक्स इनकम भी मिल जाए उसको और साथ में उसका क्या हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस फंड, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये बैलेंस फंड स्कीम क्या है। बैलेंस क्या, हम कुछ ऐसा करें कि रिस्क भी ज्यादा ना हो, फिक्स इनकम भी मिल जाए
और अच्छा खासा ग्रोथ भी हो जाए। फर्स्ट स्कीम क्या थी? फिक्स इनकम। दूसरा क्या था? ग्रोथ होगी, कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्क लेंगे। और तीसरा क्या बोलते हैं, दोनों का मिक्स, फिक्स भी रहेगी हमारी इनकम और ग्रोथ को भी लेकर हम सोचेंगे। चलिए अब नाम से फिर से काम समझेंगे। जो अभी हमने बी वाला पॉइंट पढ़ा, बी क्या बोलता है? ग्रोथ ओरिएंटेड, थोड़ा सा रिस्क तो कम ही था उसमें, ठीक है। डी क्या बोलता है? हाई ग्रोथ स्कीम, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रिस्क बढ़ेगा। आ जाओ क्या लिखा है, हाई रिस्क और ऑब्वियसली हाई रिटर्न। लेकिन जो सिक्योरिटीज में जो चेंज होने का है ना रिस्क होगा, फ्लक्चुएशंस के जो रिस्क होंगे ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा होंगे, एकदम ऊपर भी जा सकते हैं एकदम नीचे भी जा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एबीसीडी समझ में आ गया, इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, हाइब्रिड हो गया, देन हाई ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ बेटा कहाँ लिखा है? साउंड मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, साउंड वर्ड लिखा कहीं, ये भी दिखा दो मुझे कर, हाइब्रिड स्कीम में की थर्ड लाइन। हाँ चलो, स्क्रिप्ट का मतलब जानते हो, इक्विटी का मतलब जानते हो, साउंड का मतलब बस बता दो फिर सबको ऐड करवाऊंगी। वेरी गुड। चलो टेक्निकली साउंड मतलब, अनसाउंड सुना है? अनसाउंड माइंड सुना है? समझ में आ गया। तो टेक्निकली साउंड का मतलब क्या होता है? अच्छा बुरा होता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना कि भाई कोई बंदा अनसाउंड है मतलब दिमाग की सही नहीं है, कोई बंदा साउंड है मतलब ठीक है। अब थोड़ा इक्विटी शेयर्स में सेंस लगाओ कि भाई अच्छे अच्छी कंपनी के शेयर्स की बात है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, क्या बोलता है, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ये बोले कि भैया जो पैसा हमने म्यूचुअल फंड में लगाया है, तुम वो यूनिट होल्डर हो जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। अब जो हम ये पैसा लगा रहे हैं, हम चाह रहे भैया ये पैसा तो हमारा बचा रहे, ये ना डूबे, ठीक है। आ जाओ, इट इज अ स्कीम विच प्रोटेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड थ्रू द सुटेबल ओरिएंटेशन ऑफ द पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि हमने आपका जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्या, तुम एक यूनिट होल्डर हो, मैंने तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तैयार किया है जिसमें एक सिंगल शेयर्स नहीं है, मैंने क्या किया है, बंच ऑफ शेयर्स रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के शेयर्स रखे हैं, जिसमें हमारा मेन कंसर्न ये है कि भाई तुम्हारा लगाया हुआ पैसा तो कम से कम ना डूब। फॉर एग्जाम्पल हमने किस में लगाया है, बॉन्ड्स में भी लगाया है। फॉर एग्जाम्पल हमने किस में लगाया है, इक्विटी में भी लगाया है, ताकि एक तरीके से क्या हो जाए, पोर्टफोलियो तैयार किया मैंने आपका, पोर्टफोलियो क्या होगा, बॉन्ड्स में भी लगाया आपकी का पैसा, इक्विटी में भी लगाया, मतलब आपका किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होंगे जिसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होगा कि आपका ये पैसा तो बच जाए। अब होता है क्या, हमने हाई रिस्क में भी लगा दिया और लो रिस्क में भी लगा दिया, चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, हम कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पैसा तो तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, हमने अपना पैसा लगाया मार्केट्स, हम कह रहे कि भैया रिटर्न कितना आएगा। अभी ओरिएंट इनकम ओरिएंटेड क्या कह रहा था, ये पैसा, और हम कह रहे इनकम की बात करें, ये कह रहे इनकम की, ये कह रहा है कि भाई मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम तो होगा मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड रहना चाह रहा हूँ और मैं अपने लगे हुए पैसे को ही कह रहा है, मेरा प्रिंसिपल तो मिल जाएगा ना, जितना मैंने लगाया शुद्ध वो तो मिल जाएगा ना, तो उसके प्रोटेक्शन पे पूरा का पूरा बेस हम जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्स सेविंग, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, ELSS फुल फॉर्म बताओ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है अलग अलग, देखो सरकार आए दिन अपनी अपनी स्कीम्स लेकर आती रहती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम क्या बोलती है कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पैसा लगाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिया मैम की बात करूँगी, प्रिया मैम वर्क फ्रॉम होम करती है मालूम ही है, ठीक है। तो उनकी लिमिट क्रॉस हो रही थी, तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपने टैक्स को बचाने के लिए यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ा, और एक्चुअली में रिटर्न बहुत अच्छे खासे, क्योंकि सरकार है, ठीक है। अभी सरकार तो चली रही है जोरदार, और एक्चुअली में जोरदार अभी चल रही है, जिस कारण से उनको सिक्योरिटी, यहाँ म्यूचुअल फंड में उन्होंने जो पैसा लगाया वो तो अलग फायदा दे रहा है, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, टैक्स भी उनका क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये म्यूचुअल फंड की कुछ नहीं बस एक स्कीम है, जो स्कीम आपको बस क्या हेल्प करती है, आपके टैक्स को सेव करने की। दी स्कीम ऑफर द टैक्स रिबेट टू द इन्वेस्टर अंडर द टैक्स लॉ, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब फॉर्म जो भी टाइम टू टाइम, ठीक है, चेंज होती रहती है, क्योंकि दिस इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफर द टैक्स इंसेंटिव्स, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड वेन्यू। एग्जाम्पल देके बताया, जो अभी चल रहा है मार्केट में, दैट वॉज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड की ही वन ऑफ देम स्कीम है। स्कीम का नाम क्या है, टैक्स सेविंग स्कीम। अब टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर की एग्जाम्पल ये कि भैया किस में पैसा लगा दो, ELSS में लगा दो, या फिर कहाँ लगा दो, पेंशन स्कीम्स में लगा दो,
मतलब ये गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स में लगा दो, ठीक है। तो ये सारे बस एग्जाम्पल्स है कि आप पैसा यहाँ यहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है? स्पेशल स्कीम। बस मुझे बताओ इंडेक्स समझते हो? एक आध इंडेक्स का एग्जाम्पल दो। वेरी गुड, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक, वेरी गुड, ऑटो, मोबाइल सेक्टर। तो सबके अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स के भी होते हैं, ये मैंने तुम लोग को समझाया था जब हमने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था। चलो, इन्होंने बोला ये स्पेशल स्कीम है, आपका जो पैसा है, यूनिट होल्डर हो ना तुम लोग, आपका जो पैसा मैं कहाँ लगाऊंगी, कहाँ लगाऊंगी, सेंसेक्स में लगाऊंगी, निफ्टी में लगाऊंगी। बात समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में लगा रहे हैं, निफ्टी में लगा रहे हैं, या फिर कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री मैंने क्या बोल दिया, बैंक के मैं निफ्टी में लगा रही हूँ, ऑटोमोबाइल के निफ्टी में लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे किसी एक कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे, किसी दो कंपनी के शेयर्स नहीं करे, मैंने आपका पूरा पैसा किस में लगा दिया, इंडेक्स फंड में लगा दिया। तो इस स्पेशल स्कीम का एक दूसरा नाम भी मैं बोल सकती हूँ, वो क्या है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड तो सुना है ना, इंडेक्स फंड में पैसा लगा दिया। तो ये कुछ नहीं, स्कीम है। देखो वापस, आप हो यूनिट होल्डर, आपका पैसा कहाँ लगा रहा है, मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट में लगा रही हूँ, आपका पैसा मैं कहाँ लगा रही हूँ, टाइम देखो तुम लोग इतना लेट लेट आ रहे हो, आज वार्निंग दे रही हूँ आधे घंटे से, अगर तू मुझे अजीब अजीब रीजन देगा ना तो मैं तुझे एंट्री नहीं दूंगी। 8:30 की क्लास थी, चल बैठना लाग, और कल से वार्निंग दे रही हूँ सारे लेट वालों को, मैं कल से नहीं एंट्री दूंगी। चलो, स्पेशल स्कीम मतलब क्या है, इंडेक्स फंड है, इंडेक्स में पैसा लगाना। अब इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, ठीक है, सेंसेक्स हो सकता है, और स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो कोई भी अलग अलग सेक्टर्स हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, खुद अब बताना चालू कर दो। रियल एस्टेट फंड क्या होगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज उन कंपनीज में लगाएंगे जो कंपनी क्या कर रही है, रियल एस्टेट से डील कर रही है, ठीक है। चलो, ये क्लोज एंडेड होता है, अभी मैंने ऊपर बताया एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड मतलब क्या, कभी भी लगा दो। क्लोज एंडेड मतलब क्या, जब ऑफर आएगा तभी आप ले सकते हो, और कब बेचोगे, जब उनकी मेचोरिटी होगी, ठीक है। चलो, इन्वेंट्स पूरा एक्चुअल में मेजोरिटी पोर्शन ये रियल एस्टेट में लगाते हैं, खुद से समझना चालू करते, अब ये लोग भी डिटेलिंग नहीं दे रहे, नाम से काम समझ में आए। ऑफशोर फंड क्या होगा, वेरी गुड, इंडिया के बाहर की बात हो रही है, ठीक है, ऑफशोर मतलब बाहर, इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी फॉरेन कंपनीज, लेकिन जहाँ फॉरेन कंपनीज आएगी, तुम लोग एफएमआ, एफडीआई ये सब तो पढ़ ही रहे होंगे, तो भाई आरबीआई तो आएगा ही, कि भाई मुझे तो बीच में आओ, मुझसे तो पूछना पड़ेगा। चलो, लिवरेज फंड, लिवरेज मतलब क्या होता है, रिस्क उठाने एक तरीके से, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, बोरोड फंड में पैसा लगाएंगे। बोरोड मतलब क्या, कंपनी के डिबेंचर्स में जाएंगे, ठीक है, इन सब में हम पैसा लगाएंगे, जो एक तरीके से दे लें, क्या लिखा है यहाँ पर, टेन द इंडल्ज इन दी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट। यस बच्चा, डेट फंड में जाना ऑब्वियसली रिस्की तो होता ही है, क्योंकि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, जहाँ उधार उधार है, ठीक है। नेक्स्ट, हेज तो सुना ही है, रिस्क कवर करना, ठीक है। आज मैंने पैसा है ना लगा दिया ये सोचकर कि भविष्य में पैसा इसका रेट बढ़ जाएगा, और तुरंत बेच दूंगी जैसे मुझे क्या लगेगा कि मार्केट में रेट गिरने वाला है। तो हेज फंडिंग एक तरीके से क्या होता है, अपने रिस्क को कवर करना, ये एक तरीके से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है। स्पेकुलेटिव मतलब क्या, सट्टा, ठीक है। चलो, बाय करना तब करना बाय जब क्या हो जाए, प्राइस सोच रहे हो कि बढ़ जाएगी, और सेल करना तब जब क्या लग रहा है कि सोच रहे हो कि गिर जाएगी, ठीक है, दैट वॉज हेजिंग। फंड ऑफ द फंड, मैं एक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, किसके म्यूचुअल फंड में लगा रही हूँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही हूँ। वापस, तुमने पैसा लगाया है एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या बोल रहा है, मुझे लग रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक फंड का पैसा कहाँ लग रहा है, दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहा है, दैट वॉज फंड ऑफ फंड। लेकिन साफ साफ बोल दिया है ये चीजें अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रही है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये बता दिया है, क्योंकि इंडिया के बाहर ये कल्चर चलता है, लेकिन जो चीज़ें बाहर चलती है बच्चा, आज नहीं तो कल हमारे देश में भी आएगी। लेकिन बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे कि फंड ऑफ फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगाया, दूसरे म्यूचुअल फंड, दैट्स इट। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, अभी न्यू डायरेक्शन फंड्स आ गए, जिसमें ये क्या कह रहे हैं, जो स्टार्टअप टाइप की कंपनीज थी याद है, तो उन कंपनीज में पैसा लगा रहे, इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनीज एंगेज, उन कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो कंपनी क्या काम कर रही है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च कर रही है। एग्जाम्पल देके बताया कि बर्थ कंट्रोल हो गया, एंटी पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ओशनग्राफी मतलब क्या, जो समुद्र के नीचे पानी वानी जो भी है उनको लेकर जो भी चल रहा है, तो इन शॉर्ट रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव चीजें, टेक्नोलॉजी तुम लोग जानते हो बच्चा, आज नहीं तो कल कितनी सारी आने वाली है, तो जो कंपनी इनमें काम कर रही है, तो आज नहीं तो कल वो भी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो हमने पैसा इसमें लगाया ये सोच के कि भविष्य में इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक।
नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. सुना है क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? चलो अभी मुझे बताओ ये स्पेशल स्कीम क्या था, ये बता दो. इंडेक्स फंड, ठीक है, ये भी इंडेक्स फंड जैसा ही होता है. ये एक न्यू वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी कब? 1993. मीनिंग नहीं बता रहे, क्या बता रहे? जमाने भर की कहानी. क्या ये समटाइम डिस्क्राइब, ये एक तरीके से टैक्स इफिशियंट होता है. ट्रेडिशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कंपैरिजन अगर बोले तो, रीसेंट ईयर में सम ऑफ द लार्ज ईटीएस मेड स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशन टू रियलाइज टैक्स कैपिटल गेन द मोस्ट म्यूचुअल फंड. कुछ मीनिंग नहीं समझाया, और मीनिंग समझे, ठीक है? आ जाओ. क्या ये सुना है क्या कहीं? सेंसेक्स के बीज, बैंक के बीज, निफ्टी के बीज, सुना है क्या? सुना है, वेरी गुड. जो एक्टिव होंगे थोड़े से, उन्होंने सुना है. मालूम है क्या होता क्या है? सुना है बस, है ना, न्यूज वगैरह में सुना है, वेरी गुड. अब जैसे तुम्हें सेंसेक्स मालूम है और निफ्टी मालूम है ना, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है बताओ? इंडेक्स, ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस, दोनों सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, दोनों सिमिलर ही है. ईटीएफ का मतलब क्या बताया मैंने? एक्सचेंज ट्रेड फंड. और इंडेक्स फंड क्या था? इंडेक्स फंड क्या था? निफ्टी, सेंसेक्स, दोनों सेम ही है, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में. डिफरेंस बस ये है कि इंडेक्स फंड ट्रेड नहीं किया जाता. ट्रेड मतलब क्या? सेंसेक्स और निफ्टी कहीं तुम्हें लिस्ट नहीं दिखेंगे. सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, निफ्टी किसका है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझ रही? ये एक्सचेंज के खुद के इंडेक्स है, लेकिन इनकी लिस्टिंग थोड़ी ना है, ये कहीं लिस्ट थोड़ी ना है. म्यूचुअल फंड जाके डायरेक्ट खरीदते हैं इनके शेयर्स, खत्म. लेकिन इसको भी इन्होंने एक सिक्योरिटी बना दिया, इसको भी एक ट्रेड बना दिया. और क्या बोल दिया? कि मार्केट में इसे क्या कर सकते हो? बेच सकते हो वापस. ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या? निफ्टी. ये इंडेक्स फंड होता है. म्यूचुअल फंड जाकर क्या कर लेता है? इनमें पैसा बस लगा देता है. लेकिन उन्होंने क्या बोला? एक काम करते, पैसा लगा तो दिया, बेच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनको बेच के चले जाओ. लेकिन लेकिन इसकी ट्रेडिंग नहीं होती है, इसकी ट्रेडिंग नहीं होती. ट्रेडिंग कब होती है? जब चीजें लिस्ट होंगी वापस. ट्रेडिंग कब होगी? जब उसकी क्या होगी? लिस्टिंग होगी, ठीक है. इन्होंने कहा कि इनकी तो लिस्टिंग है नहीं, अब इसको क्या कर दिया गया? ये सब नए कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब इसको भी क्या कर दिया गया? लिस्ट कर दिया. और लिस्ट करके अब इसे खरीदा बेचा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये, चलो ये स्टॉक एक्सचेंज मैंने बनाया यहाँ पे, 1 2 3 नाम लिखे कंपनीज के. ऐसे कितनी टोटल कंपनीज के नाम लिखे? 30. अब 30 कंपनी का जो बंच होता है उसे मैं क्या बोलूंगी? सेंसेक्स बोलूंगी, ठीक है, इसे सेंसेक्स बोलूंगी. तो इस सेंसेक्स को हमने क्या कर दिया? खरीद लिया. म्यूचुअल फंड ने बोला कि भाई हम इसमें पैसा लगा रहे, सेंसेक्स में पैसा लगा रहे, ठीक है. सेंसेक्स में पैसा लगा रहे मतलब वो किस पे लगा रहे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे. बात समझ में आ रही है? सेंसेक्स में लगा रहे तो पैसा किस में लगा रहे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे. निफ्टी में लगा रहे तो मतलब किस में लगा रहे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये कहाँ लिस्ट है? ये तो कहीं लिस्ट नहीं है ना. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहीं लिस्ट है क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स को क्या बना दिया? एक सिक्योरिटी बना दिया. और इसकी क्या कर दी? लिस्टिंग कर दी, अपने ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कर दी, या फिर क्या कर दी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसकी लिस्टिंग कर दी. क्या बात समझ में आ रही है? अब जब इनको लिस्टिंग कर दी तो उसको एक अलग नाम देंगे. अब जब इनको एक अलग नाम दिया तो क्या नाम दिया उनको? सेंसेक्स बीज. अब सारी इंडस्ट्रीज, अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, बैंक के भी तो अलग से है ना, निफ्टी 50, तो अलग अलग सेक्टर. तो ऐसे मैंने क्या बताया, बैंक के बीज क्या बना दिए? निफ्टी के बीज. तो बीज इन शॉर्ट इसकी एक सिक्योरिटी बना दी और इसको भी जाके लिस्ट करा दिया. और जहां चीजें लिस्ट होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं. कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो. तो कुछ नहीं, बस इनकी ट्रेडिंग चालू कर दी गई. क्योंकि ये अभी तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स थे, हमने सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया. लेकिन खुद को भी इन्होंने क्या करवा दिया है? लिस्ट करा दिए. बात समझ में आ गई? बस दोनों में डिफरेंस यही है. और इन्होंने मीनिंग भी बताया नहीं है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है. तो एक इंडेक्स फंड है जिसको स्पेशल स्कीम बोला है उन्होंने, दूसरा उन्होंने क्या बोला? एक्सचेंज ट्रेड फंड. ये अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस अभी बहुत ही कम है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. बच्चा याद करो, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ते थे कैपिटल, मनी मार्केट. मनी मार्केट में बचपन में स्कूल में 11th 12th में पढ़ा होगा तुमने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा. आप पूरा पैसा किस में लगा रहे हो? शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में लगा रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो. म्यूचुअल फंड कह रहा है, यूनिट होल्डर, तुम्हारा पैसा इस स्कीम में लगाएंगे. दैट वॉज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड. नेक्स्ट एंड फाइनल, नाम से काम समझ जाओगे. बताओ क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये पूरा जबलपुर में जितना भी फ्लाईओवर का काम हो रहा है, मैं
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो, ठीक है, वो मेरे किस में पैसा लगा रही है, डेट में लगा रही है, इक्विटी में नहीं लगा रही। इक्विटी मतलब क्या होता है, ओनरशिप आ जाना, तो वो किस में लगा रहे हैं, डेट में लगा रहे हैं, मतलब मैंने जो डिबेंचर बॉन्ड से सारी चीजें इश्यू करेंगे तो वो डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे, या फिर क्या लिखा है, सिक्योरिटाइज डेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इक्विटी में नहीं जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेट में पैसा जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं, अलग अलग स्कीम बस दे रहे हैं कि हम आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। इससे आपको भी समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे आपने, अब मुझे बताओ, रियल स्टेट का पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का इनविट रीट याद आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं, हम तो रियल एस्टेट में लगाएंगे। तो वो अलग से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा क्या बना लिया है, म्यूचुअल फंड जैसा ही सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की स्कीम्स थी। अब आ जाओ क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा उन्होंने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को सिस्टम में बांटा है कि भैया म्यूचुअल फंड का पैसा किस में लग सकता है, इक्विटी में लग सकता है, और फिर क्या लिखा है, हाइब्रिड में क्या होता है, मिक्स होता है, या फिर आप कहाँ लगा रहे हो, डेट, या फिर कहाँ लगा रहे हो, कमोडिटी में लगा रहे हो, ठीक है। अब इक्विटी में लगा रहे हो तो उन्होंने क्या बोल दिया, लार्ज कैप, क्या होगा लार्ज कैप का मतलब, बड़ी कंपनीज, बड़े लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लार्ज कैप बड़े ज़्यादा टाइम के लिए। मिड और स्मॉल मतलब क्या होगा, छोटे ड्यूरेशन के लिए या एवरेज, ठीक है। अब देखो ये अभी ऊपर हमने पढ़ा, ELSS क्या था, फुल फॉर्म बताओ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम है ये, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है इन्होंने, नाम से काम समझना चालू करा, उन्होंने बोल दिया भैया डाइवर्सिफाइड, या फिर क्या लिखा है, मल्टी कैप। मल्टी कैप मतलब जैसे लार्ज हो गया, स्मॉल मिड हो गया, इसका मल्टी बना दिया मिक्स टाइप का, और डाइवर्सिफाइड मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को कवर किया। सेक्टरल, और क्या लिखा है, थेमेटिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, हमने सेक्टर्स पकड़ा है, सेक्टर मतलब जैसे बैंकिंग सेक्टर पकड़ा है, ऑटोमोबाइल, टेली कम्युनिकेशन, ये अलग अलग सेक्टर्स मिक्स किया हमने, ठीक है। फिर क्या लिखा है ये, और साथ में लिखा है, समझ में आ गया, इंडेक्स वही वाला, और क्या लिखा है, ETF, ठीक है। चलो हाइब्रिड में क्या लिखा है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, बैलेंस फंड याद आ रहा है, नाम बताओ बैलेंस फंड का, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस फंड, तो किसको बोलते थे, हाइब्रिड को, ठीक है। चलो MIP, ये कहाँ से शॉर्टकट दे दिया इन्होंने, शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, चलो अभी देखेंगे शॉर्टकट उसका फुल फॉर्म क्या, ठीक है। लिक्विड समझ में आ रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा लिक्विडिटी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, नाम से काम समझो, इनकम ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म, ये क्या लिखा है, शॉर्टकट में जा रहे हैं सब। फिक्स मेच्योरिटी प्लान, ठीक है। अब सबके फटाफट गूगल खोलो, इनके फुल फॉर्म लिखो, ये लोग आधी दुनिया शॉर्टकट में पागल कर देते सबको, है ना। कैपिटल ओरिएंटेशन, हाँ कैपिटल लिख लो वहां पर, कैपिटल प्रोटेक्शन, अब ऐसे शॉर्टकट लिखेंगे तो किसको क्या ही याद रहेगा। ओरिएंटेड मंथली इनकम, ओके लिखो बच्चा, SIP जैसे ही है ये, तो मतलब लिख लो बच्चा, मंथली इनकम प्लान। और गिल्ड का क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट फंड। गवर्नमेंट में पैसे लगाना सच में गिल्ट है ना। चलो अब आ जाओ क्या लिखा है हेडिंग, म्यूचुअल फंड्स प्लान के टाइप्स, और टाइप्स है बच्चों, बहुत वैरायटीज होती है, बस पैसा कहाँ लग रहा है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। देखो बिना नॉलेज के लोग तो बहुत सारी जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। अब जब नॉलेज होगी तो अब तुम चार चीजें और पूछ सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो म्यूचुअल फंड प्लान, दो प्लान बताए उन्होंने, पहला क्या बताया, रेगुलर, एंड फिर क्या लगाया, डायरेक्ट, ठीक है। अब समझो एक AMC की एंट्री हुई थी यहाँ पे, कौन था ये AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका क्या काम था, एक्सपर्ट था, जो पैसे कहाँ लगाने चाहिए ये एडवाइस दे रहे, ठीक है। अब देखो इसके अंडर एक बंदा आता है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटर, समझना। रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है। अगर आप डायरेक्ट किससे ले रहे हो, इन्हीं की एक्सपर्टाइज ले रहे हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है जो आपके पैसे को लगा रही है, तो आप किस प्लान में हो, आप डायरेक्ट प्लान में। लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना ज्ञान किसको दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने ये ज्ञान किसको दिया, आपको, तो आप इनडायरेक्ट तरीके से जा रहे हो। तो ये है रेगुलर प्लान। हर कोई AMC के तो अंडर नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि भैया मार्केट, खुद तुम सोचो ये कितने होंगे। आपको अभी एक डेटा दिया था अपन जब पढ़ रहे थे, तो कितने 5 थे 40 टोटल, भाई इंडिया में अभी कितने हैं, इन 44 में से किसी से बात हो पा रही है क्या, नहीं।
तो अब इनका जो पूरा इंडिया लेवल में जो काम स्प्रेड हो रहा होगा तो किसके थ्रू होगा? ऑब्वियसली ब्रोकर, नॉर्मल लैंग्वेज में इन्हें ब्रोकर बोलूंगी, लेकिन वो कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनकी इन्फॉर्मेशन को आगे तक डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो अगर आपका प्लान किन से जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से जा रहा है, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग रेगुलर प्लान में आते। अगर आप डायरेक्ट उन्हीं से आपका कॉन्टैक्ट है, दैट वॉज डायरेक्ट प्लान, दैट्स इट। अच्छा, रेगुलर प्लान सोल थ्रू, किसके थ्रू आप लेते हो ये प्लान? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? कोई इंडिविजुअल हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है जो हेल्प करेगी इन्वेस्टर को खरीदने बेचने में। हायर एक्सपेंस रेशियो, तुम्हें क्या लगता है? इस एएमसी ने अपने नीचे अगर इसको रखा है तो कमीशन भी तो मिलेगा ही, ब्रोकर है भाई, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हो तो रेगुलर प्लान में कौन आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। इन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट प्लान में आते हो तो आप डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में आओगे? एएमसी के। सेकेंड पॉइंट बोलता है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, तो आपका खर्चा एक्सपेंस रेशियो जो आप खुद की कैलकुलेशन करोगे ना, आप क्या कैलकुलेशन करोगे कि भाई हमने तो पहले मार्केट में लगाने के लिए पैसा प्लस पूरा एक्सपेंस रेशियो, अभी मैं कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है? आपका खर्चा कितना हो, तो इसका खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके इस फीस में क्या होगा? उसकी कमीशन का भी फीस जुड़ा होगा ना। डायरेक्ट इसमें करोगे तो इसमें क्या होगा? लो एक्सपेंस रेशियो। नेक्स्ट लिखा है पोटेंशियल, क्या होगा उसका? लो रिटर्न होगा। लो रिटर्न दिमाग पे डाउट नहीं करे, लो रिटर्न इसलिए क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। तो लो रिटर्न क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सपेंस ज्यादा है। और इसमें हाई रिटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट वो आपको दे रहा है, या फिर बीच में ब्रोकर आएगा तो ऑब्वियसली आपका खर्चा ज्यादा होगा तो रिटर्न कम होगा, दैट्स इट, ठीक है? चलिए, ये सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट की प्लेयर्स हमने पढ़ लिया था, आ जाओ की प्लेयर्स हम पढ़ चुके हैं, अब हेडिंग आ जाओ। क्या लिखा है? म्यूचुअल फंड टर्मोलॉजीज। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड में कुछ टर्म यूज होते हैं, कुछ वर्ड यूज होते हैं जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत कुछ तो जनरल जनरल और कुछ थोड़ा सा है टेक्निकल जो समझते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट तुम बताओ मुझे जरा। प्रोस्पेक्टस होता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी भी तो अपना ऑफर डॉक्यूमेंट दे रही है ना, उसमें स्कीम के बारे में पूरी डिटेलिंग लिखी होगी जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। जब एक नॉर्मल कंपनी से जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो वो भी एक ऑफर डॉक्यूमेंट में अपनी सारी अच्छी बातें बताती है। सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में भी यही होता है कि स्कीम का क्या होगा? एक ऑफर डॉक्यूमेंट। अब उसके अंदर देखो क्या लिखा है। एएमसी क्या? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है? मनी न्यू स्कीम थ्रू दी, याद है अभी हमने क्या पढ़ा था? दो टाइप, ओपन एंड और क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्या बोला था? न्यू फंड ऑफर। तो ये बोल रहा है कि भैया वो पूरी डिटेलिंग बताएगी अपनी स्कीम के बारे में कि कैसा कैसा होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा? की डिटेल्स, किसकी की डिटेल्स लिखी होंगी? अबाउट न्यू फंड ऑफर, इट इज जस्ट लाइक आईपीओ, आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी। ये भी कह रहे हैं हमारा क्या होता है एनएफओ, एनएफओ में पूरी डिटेलिंग लिखी होगी। ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, स्कीम का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ लग रहा है पैसा, नेचर ऑफ द स्कीम क्या है। अब इतनी सारी स्कीम्स पड़ी ना, उसकी फुल डिटेलिंग होगी, तो ऑफर डॉक्यूमेंट इनका भी होता है। फिर क्या लिखा है? नॉर्मली हम अपना ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देते थे? सेबी को चेक कराने के लिए। म्यूचुअल फंड भी अपना ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देगा? सेबी को चेक कराने के लिए देगा, क्योंकि ये भी तो झोल कर सकते हैं, ठीक है? चले, फिर उन्होंने कहा इसका जो ऑफर डॉक्यूमेंट की डिटेलिंग में वो जा रहे हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा? स्कीम इन्फॉर्मेशन, और दूसरा पार्ट आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल। पहले तो स्कीम के बारे में सारी बातें और प्लस क्या होंगी उसकी एडिशनल बातें। चलो, स्कीम के बारे में क्या होगा? अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल ऑफ द स्कीम विच इन्वेस्टर शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। नॉर्मल है ना ये तो, अब ये नॉर्मल बातें बता रहे हैं आपको जो ऑलरेडी आपको पता है। ऑफर डॉक्यूमेंट में पूरी स्कीम की डिटेलिंग होगी कि भैया कहाँ पैसा लगेगा। अब हमने इतनी सारी स्कीम्स पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा बताओ जरा? इनकम ओरिएंटेड, दूसरा क्या पढ़ा? ग्रोथ। नेक्स्ट थर्ड हाइब्रिड, देन हाई ग्रोथ, फिर कैपिटल प्रोटेक्शन, टैक्स सेविंग स्कीम, स्पेशल स्कीम, वेरी गुड, रियल स्टेट, ऑफशोर, डायरेक्शन। चलो चलो, समझ में आ गया है ना? तो जो भी होगा सब बता देने का, ठीक है? चलो, एसआईडी। अब देखो ये लोग बीच बीच में शॉर्टकट यूज करेंगे, ये इसी को बोल रहे हैं एसआईडी, ठीक है? स्कीम इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट होगा आपका, ठीक है, हैज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर, अपडेट करते रहना भाई, ठीक है? की कंटेंट्स, इसमें क्या क्या होगा? अब देखो स्कीम का नाम बताओ ऑन द कवर पेज, स्कीम का नाम पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको लिस्ट बताया ना, ये म्यूचुअल फंड के, इसके म्यूचुअल सॉरी इनकम ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, नाम फ्रंट पेज में कवर पेज में लिखा होगा। अलॉन्ग विद दी स्कीम स्ट्रक्चर पूरा बताओ, कब ओपन होगा, कब ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है बताओ, एक्सपेक्टेड स्कीम नेचर क्या है, कहाँ पैसा लगाओगे, पूरी डिटेल बताओ, इक्विटी में, डेट में, बैलेंस में, लिक्विड में, और ये एग्जाम्पल देकर बता रहे। नेक्स्ट, अपनी स्कीम को एकदम क्या करना, हाईलाइट करके रखना है। रिस्क फैक्टर बता दो, कितना रिस्क है। ऊपर हमने पढ़ा था कि रिस्क कम है इनकम ओरिएंटेड में, ठीक है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा या बहुत ज्यादा, रिस्क बताओ। स्टैंडर्ड है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब जनरल,
जितना रिस्क, जैसे बोलते हैं ना हर चीज को सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये एक स्टैंडर्ड रिस्क है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कह रहे हो कि नहीं बहुत स्पेसिफिक रिस्क है तो प्लीज़ वो भी बता दो। हम कहेंगे यार अभी ये वाला मार्केट बहुत लो चल रहा है लेकिन हमें मालूम है कि आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ पहले से स्पेसिफाई कर दो। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है पहले तो ये बताओ, बार बार आता रहता है जगह जगह। कंप्लाइंसेस, वेरी गुड। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा बाय दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपर्ट है, वो अपना एक सर्टिफिकेट देगा, भैया लॉ वगैरह सब हम फॉलो करें, इसमें कोई टेंशन नहीं। चलो फीस एक्सपेंस कितना लगेगा आपका सब बता दो, क्योंकि बस पैसा मार्केट में लगाना नहीं है, आपको फीस एक्सपेंस भी देना पड़ेगा। किसकी फीस? एक्सपर्ट की फीस, ठीक है, इंक्लूडेड होता है सारी चीज़ें। राइट्स क्या होंगे आपके यूनिट होल्डर के, क्या राइट है, कल को अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो किस तक पहुँचेगा, यूनिट होल्डर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, पेनल्टी क्या, लिटिगेशन, सारी चीज़ें डिटेल बता दूँ। ये हमने क्या पढ़ी, स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन। दूसरे पार्ट में क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शॉर्टकट में इन्होंने क्या बोल दिया इसे, SAI, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स स्टैटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंड, ठीक है, ऑफरिंग, जो भी ये अपडेट, एंड ऑफ द एवरी ईयर आपको अपडेट करना पड़ेगा। की कंपोनेंट्स फटाफट हिट करो, की कंपोनेंट्स। देखो हम ना क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाएंगे बस वो समझ रहे हैं, कि इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, कि कंटेंट क्या, स्पॉन्सर के बारे में बताओ, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कस्टोडियन कौन है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट कौन है बता दो भाई, ठीक है। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, समरी बता दो, किसकी समरी बता दो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कब की, पिछले 3 साल की। इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई, ठीक है, राइट ऑफ द यूनिट होल्डर्स क्या है, डिटेल बताओ फंड मैनेजर का, टैक्स लीगल या अदर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है तो बता दो, ठीक है। अब चलो फटाफट थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, समझ में आ रही है चीज़ें क्या चल रही है। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, शॉर्टकट में क्या बोल दिया इसने, किम बोल दिया, ठीक है। समरी किसका, ये क्या लिखा था ऊपर थे, स्टेटमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या था ये, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इन्होंने बोला कि भाई प्लीज़ इनकी समरी बता दो, सेबी के रेगुलेशन बता दो, किम हैज़ टू बी अपडेट होना चाहिए 1 ईयर। अब इसके अंदर क्या होगा, किम बनाओगे तो कैसे कैसे बनाओगे, हेडिंग्स बताना चालू कर दें भाई, नाम बता दो सबका, ओपन एंड डेट बता दो, इशू प्राइस क्या होगा, प्लान ऑप्शन क्या है, रिस्क क्या है, बेंचमार्क क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम क्या है, ठीक है, बेंचमार्क पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का बता दो, ठीक है, कोई लोड्स या फिर कोई एक्सपेंस है तो बता दो, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और रजिस्टर बता दो। चल क्या रहा है, कुछ नहीं, सारे टर्म्स ये आपको बस डिटेलिंग बता रहे कि आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो जब भी कुछ भी लेने जाओ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये सारी बातें लिखी होती है, देखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, फैक्ट शीट, यूजुअली प्रोवाइड द मंथली बेसिस, आपको ना ये मिलेगा वापस, आपने बस पैसा लगा दिया और भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। मंथली बेसिस में क्या मिलेगा आपको, एक फैक्ट शीट मिलेगी, कौन आपको देगा, AMC देगा, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होगा, जो ये शीट आपको मिलेगी जिससे आपको भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें लिखा होगा NAV, NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू, NAV कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, उसकी डिटेलिंग तभी जाएंगे, अभी कुछ नहीं समझना, ठीक है। वैसे समझो इसमें आपकी यूनिट की NAV पता चलेगी जिस बेसिस में आप मार्केट में उसे बेचते हो, अभी बस इतना ही समझो। NAV एक वैल्यू होती है यूनिट होल्डर के, यूनिट सर्टिफिकेट की, जिससे वो मार्केट में उसे सेल कर सकता है जिस वैल्यू में, ठीक है, वही कैलकुलेट करना हमें सीखना है। तो NAV क्या है आपकी, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, क्या लिखा ये, AUM, NAV समझ में आया, क्या बोला मैंने, जिसमें आप मार्केट में बेचोगे, AUM इन्होंने नीचे बता के रखा है, फुल फॉर्म क्या है AUM का, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट, एसेट मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटीज हुई ना, आपकी सिक्योरिटीज की मार्केट में क्या वैल्यू है, ये कैलकुलेट कर कर आपके इसमें दोनों वैल्यू गिवन होती है, आपकी जो फैक्ट शीट आपको मंथली बेसिस में मिलेगी, उसमें क्या क्या लिखा होगा, एक्सपेंस रेशियो लिखा होगा, एग्जिट लोड, ये सारे इन्होंने थोड़े से टेक्निकल टर्म यूज कर रखे, यही टेक्निकल टर्म कैलकुलेशन में है जो मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड सीखेंगे कैलकुलेट करना, एवरेज मैच्योरिटी सब सीखेंगे हम, ये प्रैक्टिकल का पोर्शन, ठीक है। चलो तो ये बस ये लिखा है, टोटल रिटर्न कितना आएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब टोटल रिटर्न, बेंचमार्क, फंड मैनेजर डिटेल्स बताओगे, पास परफॉर्मेंस, चल क्या रहे, फैक्ट शीट में क्या क्या लिखा होगा, फैक्ट शीट में ये सारी बातें लिखी होगी, स्कीम एलोकेशन पोर्टफोलियो क्या है, स्टाइल बॉक्स क्या है, अदर स्कीम क्या है, जो भी रिस्क मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब बता दो। नेक्स्ट अब यहाँ पे हेडिंग क्या थी, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आपकी स्कीम में कितना एसेट है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, ये तो मीनिंग समझ में आ गया। ये आपको कब दिया जाएगा, या तो मंथ के एंड में दिया जाएगा या तो क्वार्टरली एवरेज में, ठीक है। अब ये KYC क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, वन टाइम प्रोसेस होता है, मैंडेटरी टू इन्वेस्ट इन दी फंड, जो भी इन्वेस्टर क्या कर रहा है म्यूचुअल फंड में, तुम वो इन्वेस्टर हो तो भाई म्यूचुअल फंड को पता ना, तुम तो उसके क्लाइंट हो ना,
तुम्हारी प्योर इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। एक बार बस मिल गया ठीक है, आपका आधार आपका पैन ले लिया दैट्स इट, ठीक है। की डिटेल्स पैन आधार यही सारी चीजें किसी भी बातें विथ व्यू टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द केवाईसी, ठीक है। ये सेबी ने नया एड ऑन करके बोला कि भैया हमें केवाईसी तो चाहिए। कौन किसके पास जाके केवाईसी कराना, ये नाम है, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये पूरी पूरी क्या है लिस्ट है, इनके पास जाके केवाईसी कर सकते हैं। सीडीएसएल नाम तो सुना ही होगा, एनएसडीएल सीडीएसएल, इनका ही क्या लिखा है वेंचर लिमिटेड के आ रहे, ये सब लिस्ट है कंपनीज के नामों की जहाँ पे क्या होगा आपका केवाईसी होगा, दैट्स इट। हेडिंग क्या लिखा है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंसेस एक्ट। होता क्या है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल दिया तुम्हारे सर पे रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, लाओ रिपोर्ट। अगर कोई भी कहाँ का यूएस को पकड़ रहे हैं अब, ठीक है, अगर कोई यूएस पर्सन है जिसकी होल्डिंग हमारी इंडिया में कितनी है, सब्सटैंशियल, देखो सब्सटैंशियल का मीनिंग इस एक्ट में ही जाकर देखना, हर एक्ट अपनी खुद की डेफिनेशन देता है, ठीक है, कहीं 20% होता है, कहीं 25% होता है, ठीक है। तो हमें उस एक्ट में जाके देखना होगा इनका सब्सटैंशियल से मतलब क्या है। तो अभी तो हम क्या समझेंगे सब्सटैंशियल मतलब क्या है, कुछ इतना परसेंट, नहीं, 20 नहीं, कुछ इतना परसेंट जिससे इफेक्ट पड़ता है और उस एक्ट में जो स्पेसिफाइड होगा, अच्छा खासा पोर्शन रखना, ठीक है। चलो और क्या, जो एक्ट है ये एक्ट बोलता है भैया सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बाहर का बंदा, यूएस का बंदा हमारी इधर ओनरशिप सब्सटैंशियल पोर्शन की रखता है तो आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक। साथ में कोई भी टैक्स इवेजन ना करे, टैक्स चोरी ना हो। की डिटेल्स बताओ, वो जो बंदा है बर्थ उसका कहाँ है, कंट्री ऑफ द बर्थ बताओ, सिटीजनशिप उसकी कहाँ पर है, कंट्री ऑफ द टैक्स रेसिडेंस बताओ, टिन बताओ, टिन मतलब क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम सच कंट्री, ये सारी डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी। ये एक्चुअल में एक्ट के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, ठीक है। करंटली मैंडेटरी फॉर ऑल इन्वेस्टर, अभी तो सबको बोल दिया है एग्जिस्ट या फिर न्यू इन इंडियन म्यूचुअल फंड, सबको बोलते हैं भैया सबको तुम्हें बताना पड़ेगा। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया, अल्टीमेट बेनिफिशियल जो भी ओनर है, याद करो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में कुछ बातें पढ़ी थी, कभी कभार ऐसा होता था नाम किसी और का और पैसा किसी और का होता था, बेनिफिशियल ओनर अलग होते थे। मैंने पैसा, देखो रॉकी सर का नाम यूज किया और पैसा मेरा लगा, ये ओके है क्योंकि भाई हस्बैंड वाइफ है, फैमिली में है, तो ये चलता है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। लेकिन मान लो भाई हम क्या कर रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन, तो सुना ही होगा तुमने भी, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होता है भैया, पैसा हम अपने इनकम टैक्स अथॉरिटी से बचना चाहते हैं कि हमारा पैसा ये ना दिखे, तो किसी बंदे का नाम मैंने यूज कर दिया। तो अगर आप शेयर्स में भी ऐसा ही करो, बेनामी ट्रांजैक्शन टाइप की करो, पैसा किसी और का और नाम किसी और का, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो बस इन्होंने बोला कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, हम ये पता लगाना चाहते हैं, डिटेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। तो डिस्क्लोजर दे दोगे तो सब अच्छा, डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो सब बुरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, मोड्स ऑफ होल्डिंग, कौन होल्ड करके बैठा है, सिंगल ही है, ज्वाइंटली भी होता है, सिंगल होता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, अभी एक इंसान है, नॉमिनेशन समझते हो, मैं हूँ, मेरे शेयर्स मुझे को मिलेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरे लीगल हायर, तो उन्होंने कहा कि भाई सिग्नेचर करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, सिग्नेचर करवा, सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलो नॉमिनेशन अच्छे से समझते, नॉमिनेशन मतलब क्या है, डेथ के बाद जिसको मिलेगा। अब नॉमिनेशन में हमेशा नाम देना होता है, ठीक है। जनरली आप कहीं भी सरकारी जगह पे चले जाओ या फिर सिक्योरिटीज इन सब में चले जाओ, जनरली रूल ये रहता है कि भाई अगर हस्बैंड है तो प्लीज वाइफ का लिखो, वाइफ है तो हस्बैंड का, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी और का भी अगर नाम लिखते हो तो वो पहले आपसे पूछते हैं कि इनका रिलेशन क्या है बता दो, ठीक है। कहीं कोई मना ही नहीं है, किसी का भी नाम आप दे सकते हो, अपना दोस्त का नाम लिखना चाहते हो दोस्त का नाम लिख दो, अगर दोस्त का नाम लिख दिया तो बच्चा वो दोस्त को ही मिलेगा। अब घर वाले केस करते रहे लड़ते रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो सिक्योरिटी जिसकी है, उसका हक है ना भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है, अपने रिलेटिव को देना चाहते हो तो रिलेटिव को दो, नहीं देना चाहता दोस्त को देना चाहते दोस्त को दे दो। तो हाँ नॉमिनेशन थोड़ा सोच समझ के भरना, ठीक है। तो नॉमिनेशन एक फैसिलिटी है जिससे इंडिविजुअल यूनिट होल्डर क्या करता है, किसी और को देता है, हु कैन क्लेम द यूनिट बाय द यूनिट होल्डर। जनरली रिकमेंडेशन ये आता है कि भैया झगड़े ना हो, क्योंकि झगड़े में फिर वो भी चपेट में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक का पैसा है, पोस्ट ऑफिस का पैसा है, या फिर सिक्योरिटी मार्केट का, वो भी सजेस्ट ये करते हैं भाई प्लीज झगड़े वगड़े होते हैं, हो सके तो अपने रिलेटिव को ही दो, ठीक है, बाद में पंगे होंगे हम पहले ही तुम्हें इन्फॉर्म करें। चलिए कब देना है, अप टू क्या बोल रखा है, अप टू कितने नॉमिनी दे सकते हैं, ठीक है, अप टू 3 नॉमिनीज कैन बी रजिस्टर्ड, तीन लोग का नाम दे सकते हो, तीनों लड़ेंगे मतलब, ठीक है। यूनिट गेट ट्रांसफर टू, एक्चुअली में तीनों लड़ेंगे लेकिन इक्वल फिर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 करोड़ की सिक्योरिटीज है तो फिर बिल्कुल डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाएगा और दे दिया जाएगा, ठीक है।
यूनिट गेट ट्रांसफर टू द नॉमिनी इन द प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड। अगर उसने प्रोपोर्शन बता दिया कि नहीं भाई मेरा जो बड़ा बेटा है उसको कितना मिलना चाहिए 99%, बाकी है ना बहन हो गई और छोटा भाई हो गया उसको कितना रिमेनिंग कर लो। चलो उसने कहा इन्वेस्टर लेकिन अगर जिंदा है ना तो नॉमिनेशन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जितना जिंदा रहते नॉमिनेशन बदलवा दो। ठीक है चलो, नॉमिनेशन कैन बी अपडेटेड, अपडेट किया जा सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ विल, विल मालूम होगा दादाजी की विल, दादाजी को गुस्सा दिला दिया तो क्या कर दिया, विल बदल दी है ना। तो दादाजी विल बदले उनकी खातेदारी उससे पहले क्या उनको खत्म कर दो है ना। दादाजी विल बदलने जा रहे हैं, दादाजी का कुछ करना पड़ेगा है ना। चलो आ जाओ, नॉमिनेशन कैन बी अपडेटेड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, जब इन्वेस्टर को लगेगा तब वो कर सकता है। माइनर कैन ऑल्सो बी नॉमिनेटेड, लेकिन भाई माइनर अकेला कुछ नहीं कर सकता, गार्जियन का नाम लिखा होना चाहिए। जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता तब तक बस रखी रहेगी। इफ नॉमिनेशन इज नॉट रजिस्टर्ड, नाम ही नहीं लिखा, बोला था नॉमिनेशन भर दो भर दो भर दो। बच्चों बहुत दिक्कत होती है, ये बात हमेशा याद रखना, अगर नॉमिनेशन नहीं आपने फिल किया तो घर में जितने लोग हैं उन सबको सामने खड़ा करना पड़ेगा और सबको बराबर मिलता है। ठीक है हाँ, लेकिन बहुत प्रोसेस होता है, मतलब कि इतना पेपर वर्क होता है, इतना पेपर वर्क होता है। अगर आपने बोला कि किसी की डेथ हो गई तो कहेंगे लाओ डेथ सर्टिफिकेट, आपको घर डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आए। तो इतना पेपर वर्क कि सरकारी पैसा सरकार में ही रखा रह जाता है बहुत सालों तक, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। नॉमिनेशन होना चाहिए। चलो इन्होंने बोल दिया डेथ ऑफ द इन्वेस्टर, लीगल हायर। अब लीगल हायर अगर बहुत सारे तो सबको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जैसे अभी मेरा कहते पोस्ट ऑफिस का केस है एक्चुअल में, एक मेरा नहीं मतलब जो मेरे नोन में आया कि उन्होंने ना अपनी सिस्टर का नाम लिख दिया था, दादी जी की डेथ हुई और दादी जी ने जब पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा था अच्छा लाखों का, तो किसका नाम लिखा, अपनी सिस्टर का। सिस्टर ने सॉरी, दादी जी ने, दादी जी का बेटा भी हुआ और बेटी भी, अपनी बेटी का नाम लिखा, जस्ट बिकॉज उनको भी कुछ नॉलेज नहीं था क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ गई थी पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ये सब खुलवाने, तो उन्होंने बस फॉर्मेलिटी में, अब वो बेटी ही फॉर्म भर रही थी ना ऑब्वियसली, तो उन्होंने मम्मा का नाम लिखा और बाजू में अपना लिख दिया। अब वो उस जमाने की बात थी, नहीं, उस जमाने की बात थी जब शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं हुए थे। अब क्या हो गया, दादी जी तो अब बुढ़ी हो गई ना, पहले तो मम्मा थी, बेटी के भी बच्चे हो गए, तो भाई अब प्रॉपर्टी को लेकर बहुत जम के झगड़ा चल रहा है। झगड़ा कैसा चल रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई अब उन्होंने गलती से लिख दिया ये वो, अब ये प्रूफ करने पे लगे, अब उनकी भी तो फैमिली एक्सपेंड हो गई है, वो भी तो पैसा नहीं छोड़ेंगे ना। जब अच्छा पैसा मिल रहा है और नॉमिनेशन में जब उनका नाम लिखा है लाखों है ना, तो वही तो मैं कह रही हूँ। अब उन्होंने बेटी का जो नाम लिखा और उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं सबमिट किया, क्योंकि पहले सरकारी काम कैसे होते तो खुद सोचो, आज फिर भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। ये बहुत पुराना केस है, ये पुराना केस है कि जब टाइम पे आपके पास इतने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होते थे। अब वो बेटी, फिर उन्होंने कहा कि भाई और भी तो दो भाई हैं, अब दो भाई के भी तो इतने सारे बच्चे हैं, तो अब बहुत ज्यादा लंबा केस चल रहा, पैसा अभी तक फंसा ही हुआ है। शॉर्ट में यही कह रही हूँ, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स उस जमाने के कहाँ से ढूंढ के लाओगे वो भी नहीं पता। चलो यहाँ पे इस टॉपिक को हम करते हैं ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, SIP पढ़ेंगे और बाकी के सारे टॉपिक। आज की सभा समाप्त।